शिकायत की जिंदगी मत जियो, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। काफी बार ऐसा हो जाता है कि हम शिकायत करते रहते हैं, कुछ चीजें हमको नहीं चाहिए अपने जिंदगी में मगर वो है, उसकी हम शिकायत करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें मुझे नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति के बारे में, वातावरण के बारे में, सिचुएशन के बारे में, लोग हैं मेरे आसपास में उनके बारे में नहीं चाहिए, मुझे अच्छी लगती नहीं है मगर वो है, और फिर मैं उसके बारे में शिकायत करते रहता हूँ। ऐसा भी हो जाता है कि मेरे में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को अच्छी लगती नहीं है और लोग उसके बारे में शिकायत करते रहते कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, वैसे हो, वैसे हो। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। कभी कभी तीसरा पार्ट जो ऐसा होता है कि दोनों को एक दूसरे को आपस में शिकायत है, मुझे वो व्यक्ति के बारे में शिकायत है, वो व्यक्ति को मेरे बारे में शिकायत है, और दोनों शिकायत में झूंझ रहे हैं, और वह नहीं चाहिए मुझे उसमें, वो नहीं चाहिए मगर है, उसका स्वभाव मुझे अच्छा लगता नहीं मगर वो है, उसको मेरा स्वभाव अच्छा लगता नहीं मगर वो है। ये तीसरा हो गया। और चौथा हो गया उसका पार्ट कि दोनों जो व्यक्ति है आपके वातावरण में, जो दो व्यक्ति है उनका आपस में कुछ तो भी चल रहा है, उनकी आपस में झंझट चल रही है और आपको वो नहीं चाहिए ना मगर है। जैसा सास और बहू का झंझट चल रहा है, आप वहाँ हस्बैंड करके घर में हो, इधर तुम्हारी माँ, इधर तुम्हारी पत्नी है, उनका आपस में झंझट चल रहा है, वो आपको नहीं चाहिए मगर है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो आपको वातावरण में नहीं चाहिए मगर है और बहुत सालों से है, और आप उसके बारे में फिर शिकायत करते रहते कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा धंधा ऐसा है, मेरे नौकर ऐसे है, मेरा स्टाफ ऐसा है, मेरा बिजनेस में ऐसा ऐसा हो रहा है, लोग मुझे कोऑपरेट नहीं करते, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं करती है, उसके पास पैसा टिकता नहीं, वो ज़्यादा पैसा खर्चा करती है, कंटिन्यूस चालू रहते हैं कि जो नहीं चाहिए मगर है। जब जब मैं शिकायत करते रहता हूँ तब तक नेचुरली मेरे इमोशन खराब हो जाते हैं, मुझे अच्छा लगता नहीं, मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मैं कभी दुखी हो जाऊँगा, मुझे घबराहट आएंगी या मुझे चिंता हो जाएंगी। ज़्यादातर चिड़चिड़ापन रहता है कि जब मैं कहीं कंप्लेन कर देता हूँ मेरा चिड़चिड़ा रहता है, अनइजी रहता है कि नहीं होना चाहिए मगर है, मैं क्या करूँ, ऐसा इस तरह का रहता है। तो फिर यह सालों से आपको ये तकलीफ है या सालों से आपको शिकायत है जो नहीं चाहिए मगर है, तो फिर आप वो सहन क्यों कर रहे, ये सवाल है, सहन क्यों कर रहे हैं आप जब आपको नहीं चाहिए वो, फिर सहन क्यों हो रहा है। हो सकता है कि आपको उससे कुछ फ़ायदा होता होगा, कुछ बेनिफिट होता होगा, क्योंकि इंसान का ऐसा है कि जहाँ नुकसान है सिर्फ नुकसान आदमी सहन नहीं करेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा यदि फ़ायदा है तो वो नुकसान थोड़ा सहन करेगा, मतलब कुछ तो भी फ़ायदा हो रहा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ मैं शिकायत करता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे जो नहीं चाहिए वो है, तो फिर वहाँ कुछ ना कुछ मेरा फ़ायदा होता होगा, और वो फ़ायदा क्या फिर देखना पड़ेगा कि फ़ायदा क्या हो रहा है, और वो हम देखेंगे तो हमको लगेगा पता कि भाई फ़ायदा हो रहा है करके मैं वो शिकायत जो है, वो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं सहन कर रहा हूँ। तो हम अगली बार देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स है उसमें क्या फ़ायदे हैं कि जो मैं सहन कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊँगा। इतना देखना है कि जहाँ जहाँ शिकायत है आपको ऑब्जर्व इतना ही करना है कि जहाँ जहाँ शिकायत हो रही है, जहाँ जहाँ तकलीफ हो रही है, समझ जाना है कि वहाँ कुछ ना कुछ फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये कुर्सी पर बैठा हूँ और मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को शिकायत है, अरे यार नीचे खील जो है ना वो टोच रही है, नीचे खील टोच रही है, वो तकलीफ दे रही है, तकलीफ दे रही है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जब मुझे शिकायत है, मुझे नहीं चाहिए मगर वो खील है, तो फिर बैठे क्यों हो भाई, उठते क्यों नहीं, तकलीफ है करके बोल भी रहे और उठ भी नहीं रहे, इसका मतलब मुझे बैठने का वहाँ फ़ायदा है। क्या फ़ायदा हो सकता है, मेरे को उठना है तो तकलीफ लेनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, कंफर्टेबल जगह पे जाके बैठना पड़ेगा, कंफर्टेबल जगह इससे अच्छी नहीं होंगी, यहाँ दूसरी कुर्सी नहीं होंगी, फिर खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए फिर ठीक है वो जो तकलीफ होने वाली है उससे ये तकलीफ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फ़ायदा कौन सा है कि बाकी ज़्यादा तकलीफ से ये कम तकलीफ सही है, तो ये फ़ायदे हो सकते हैं। तो देखिए आपको कहाँ कहाँ ऐसे फ़ायदे हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं,
और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।